देखो अब इधर उधर की बातें करने से होना कुछ है नहीं। परिवार वालों ने साफ साफ तुम पर शक जताया है और तुम्हारा इतिहास भी यही इशारा करता है कि तुम ये कर सकते हो। तो अब तुम खुद ये साबित करो कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। सर, मैं आपको कैसे साबित करूं? मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूं, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, और कौन बिना वजह राह चलती महिला को गोली मारेगा हैं? सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता और मैं इतना पागल भी नहीं हूँ कि उस पर गोली चलवाऊंगा, जबकि मुझे पता है कि सबसे पहला शख्स मुझ पे ही जाएगा। भाई, ये सब टाइम की बातें होती हैं। जब टाइम खराब होता है ना, तो आदमी क्राइम करने से पहले आगे पीछे की नहीं सोचता। तो तुम भी अपनी बीवी से परेशान थे, करा दिया होगा। और वैसे भी बहुत जल्द शूटर हमारे कब्जे में होंगे, फिर तो तुम्हारा राज खुल ही जाना है। ठीक है सर, ऐसा ही कर लो। आप शूटर के पकड़े जाने तक मुझे अरेस्ट मत करो। अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। ऐसा है, जो हमें करना है वो तो हम करेंगे, लेकिन ठीक है, फिलहाल तुम्हें ऑफिशियल अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें रहना थाने में होगा। ये क्या बात है सर, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तो भी आप कह रहे हो कि मुझे थाने में रहना पड़ेगा। अरे इतनी बुरी जगह भी नहीं है थाना, हम भी रहते हैं ना, पहले दो चार दिन क्या फर्क पड़ता है। देखो भाई, कोऑपरेट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अपनी खुशी से या हमारी खुशी से।